आइकन को भी दबा दो ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो का एंजॉय कर सके। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा वाली इंटरेस्टिंग रहने वाली है, चैलेंजिंग रहने वाली है। एंड ये मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा था कि लिविंग ऑन 100 रुपीज पे रहना, खाना पीना सब कुछ करना, मुझे काफी वक्त से करना था बट मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रही थी या घर के कुछ काम से हो रहा था। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं वो चैलेंज करने वाली हूँ जिसमें मेरी हेल्प करेगा दिव्यांग। तो बेसिकली आज मैं मेरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का टी एंड रात का खाना, ये सारी चीजें वो मैं अंडर 100 रुपीज में करने वाली हूँ, ट्राई कर रही हूँ कवर करने का। होपफुली मैं सक्सेसफुल रह पाऊँ, पर काफी लोग हो पाए हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा वाला डाउट है कि मैं नहीं रह पाऊंगी, बट लेट्स सी क्या होने वाला है आगे वीडियो में। उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। 10:30 बजे एंड हम लोग निकले हैं नाश्ते के लिए। तो मेरा नाश्ते का बजट है 15 से 20 रुपए, उसमें मुझे चाय के साथ नाश्ता करना है, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। दो तीन दुकान में पूछा वहां पे तो 10 रुपए का पोहा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 15 रुपए, और मैं नहीं चाह रही 25 रुपए मेरे नाश्ते में डाल दूंगा फिर मुझे प्रॉब्लम होगी मेरे लंच में। दिव्यांग बोल रहा था अगर तू एग खाती होती ना तो बहुत सारे ऑप्शन है वेज के अंदर, मतलब है ऑप्शन, ऐसा नहीं है, बट 10 रुपए में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स सी अभी और क्या कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अभी दिवाली का टाइम है, बहुत सारे शॉप्स और जो छोटे छोटे हैं ना वो लोग खुद के गाँव वहाँ गए हुए हैं, तो चीजें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मतलब जहाँ जा रहा है वो दुकान बंद है, जहाँ जा रहा है वहाँ दुकान बंद है। दिवाली एक जगह है जहाँ पे दिव्यांग मुझे लेकर आया है और उसमें बोला ये खुला भी और यहाँ पे तेरे बजट में आ जाएगा। सो ये है मेरे 100 रुपीज और आज मैं पूरे दिन इसी में चलाना है और ये 100 रुपीज लेके मैं जा रही हूँ वहाँ पे पफ लेने के लिए, पेटीज जो बोलता है। सो फाइनली मुझे 13 रुपीज का मिल चुका है, मेरा बजट था 10 का बट 13 का मिला मेरे को। अब मुझे चाय ढूंढनी पड़ेगी सस्ते में, इससे बोला था मुझे 10 का मिलेगा, ये लड़के ने बोला था। आज मुझे पता चल रहा है यार कि कितना हार्ड होता है सच में मेरे को, लाइक मैंने 10 रुपए सोचा था एंड मुझे 13 रुपए देने पड़े हैं यहाँ पे। सोच रही हूँ 7 रुपए में कहाँ मिलेगी मुझे चाय। सारी जगह पटीज में आधे से ज्यादा रात को खुलती है और बाकी सारे लोग गए हुए हैं खुद के गाँव। दिखिए मैं जाकर के देखती हूँ कितने की देते हैं चाय। बस ये चाय कितना नीचे है, 15 रुपया नहीं चाय चाय, ये तो 15 रुपए बोल रहा है। मेरे नाश्ते से महंगी चाय, कितने रुपए में चाय चाहिए मुझे, 7 रुपए में। वे चाय होगी कितने की है, 5 रुपए। कितने की, 5 रुपए। 5 की एक दे देना ना। तो फाइनली मुझे मिल गई 5 की, थैंक यू। ओ गरम गरम चाय है और मैं यहीं पे रुक जाओ, मैं इतनी खुश हूँ ना आपको मैं बता नहीं सकती गाइस। मेरा ये जो पफ है जो मैंने लिया था 13 रुपए का और ये मेरी चाय जो 5 रुपए में मिल गई मुझे। तो गाइस बजे है अभी 3 और मैं अब जा रही हूँ लंच के लिए एंड लंच के लिए मुझे घूमना नहीं पड़ेगा बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लंच के लिए मुझे कहाँ जाना है। जो लोग बड़ौदा से हैं वो लोग लाइक ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि बड़ौदा का बहुत ही ज्यादा फेमस है सेव सर, मतलब वो आपको एक रोड पे बहुत सारे भी दिख रहे मिल जाएंगे। सेव सर मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगी, वहां पे आपको लाइक अच्छी तरह से बजट में आपका पेट भर सकता है वैसी वाली जगह है। 82 रुपीज बचे है मेरे पास, काफी बचे हुए हैं तो मेरे पास बहुत अच्छा बजट है रात के डिनर के लिए। मैं वही सोच, लेट्स सी यहाँ पे कितना मिलता है, शायद से 25 का मिलता है ना, 25-30 का मिलता है और मेरा ऑलरेडी 30 का बजट तो है ही एंड मैं घर से पानी की बोतल कैरी करके आई हूँ जिसकी वजह से मुझे बाहर से ना खरीदना पड़े पानी की बोतल और मेरे पैसे बच जाए। ओके सेव साल है 30 रुपीज का, पार्सल लेना हो तो 35, पार्सल मुझे नहीं लेना मुझे पैसे बचाने हैं। सबसे फर्स्ट में है 30 रुपीज का जो सबसे कम बजट वाला है, एक सेव साल। तो अगर मैं यहाँ बैठ के सेव साल खा रही हूँ तो मुझे 30 में होगा एंड मैं टेक अवे लूंगी तो 35 होगा, तो मैं 5 रुपीज सेविंग कर रही हूँ रात के डेजर्ट के लिए। तो ये सेव साल होता है, उसके साथ में बन आएगी थी एंड ये चटनी भी है एंड ये सारा चीजें भी है, ये आपको इतना एक्स्ट्रा मिलता है यानी इतनी सारी चीजें 30 रुपीज में आपको मिल जाएगी। पेट भर के इसको खा सकती हूँ 30 रुपीज वाला। थोड़ी सी चटनी डालूंगी, नींबू का रस, थोड़ा सा प्याज, यम यम, मेरा पेट आराम से इसमें भर जाने वाला, तुम फटाक से खा लेती। सो आई एम ऑलमोस्ट डन। अभी इसमें ये अनलिमिटेड होता है, इसमें अभी आधी बाल्टी से भी ज़्यादा है पर मेरा पेट हो गया फुल। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कोल्ड ड्रिंक की पर मेरा बजट के बाहर है। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों का सच में डे में बजट होता होगा कि 50 रुपये में खाना है या इतने ही रुपये में खाना हो, उन लोग की क्या हालत होगी।
सो गाइज अब इवनिंग टी का टाइम हुआ है. मैं निकली हूँ अराउंड 7 बज रहे हैं अभी एंड मैंने सोचा चलो टी पी लेते हैं एंड थोड़ी देर के बाद मतलब जब करीबन 10 बजे के आसपास मैं करूँगी डिनर. एंड अब हम लोग सर्च कर रहे हैं टी के लिए. अभी मेरे पास 52 रुपीज बचे हैं. पहले जो मैंने जो सोचा था ना, जहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि मैं टी पीऊंगी वहाँ पे मुझे 5 रुपए की मिल रही थी, वो वाला अंकल बंद है. तो लेट्स सी अभी रास्ते में हमें कहाँ मिलती है सस्ती वाली चाय. मे बी मुझे स्टेशन पे मिल सकता है सस्ती वाली चाय. लेट्स सी. फिंगर क्रॉस. चाय कितने की है? कटिंग मिलेगी? तो गाइस यहाँ पे तो कटिंग ही मुझे 10 रुपए की पड़ी. यानी अब मेरा बजट हो गया बहुत ही ज्यादा कम. मुझे सुबह बहुत अच्छी चाय मिल गई थी 5 रुपए में. मैंने सोचा था मैं कुछ बिस्किट जैसा भी लूंगी, बट उनके पास बिस्किट भी 5-5 रुपए का था. तो मैंने सोचा अगर मैंने अभी 15 रुपए जाने दिए तो फिर रात के डिनर के लिए बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी. आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की क्रेविंग हो रही है, आज मुझे बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही है, आज मुझे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, जो मेरे पास बजट में चलना है. तो अब मिलते हैं हम डिनर के वक्त. हम लोग को जो भी बाहर के काम थे वो सारे खत्म किए हैं. अभी बज रहे रात के 10 एंड अब मैं करने जा रही हूँ डिनर. आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ एंड बहुत सारी लाइक अभी दिवाली है ना, तो आधे से ज्यादा से जो नुक्कड़ वाली जगह है जहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी मिल मतलब जहाँ पे मुझे मिल सकता है वैसी जगह है जो ऑलमोस्ट बंद होने आई है. तो लेट्स सी मुझे क्या मिल सकता है. मेरा जहाँ तक अंदाजा है तो मुझे पाव भाजी, पुलाव या खिचड़ी ऐसा मैं ट्राई कर रही हूँ. बेस्ट मेरा कि मुझे कहाँ मिले ओपन रहे. लेट्स सी क्या होता है और क्या मिलता है. मैं यहाँ पे फूड स्टॉल पे आई हुई. यहाँ पे पीछे बहुत सारे हैं, आधे ज्यादा तो एग वाले लोग हैं. तो मेरे पीछे वाली जो शॉप है वो तो बंद हो गई है. पाव भाजी का कितना है? 50 का. काश मैंने चाय नहीं पी होती तो मैं अभी खा सकती थी पाव भाजी. सो यहाँ पे मेरे को जगह मिली जहाँ पे बर्गर मिलता है 25 रुपीज का. तो मैं वहां से लेने वाली हूँ बर्गर. लेट सी मैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक का जुगाड़ मार सकती हूँ या नहीं. ये 25 वाला बर्गर कौन सा है? बर्गर नहीं है. नहीं बर्गर है लेकिन उसी में प्रॉब्लम हुआ है, गरम नहीं हुआ. दूसरा पिज्जा फ्रेंच फ्राइज कोई प्रॉब्लम नहीं. बर्गर नहीं मिलेगा ना? कोई और तरीके से बर्गर नहीं हो सकता? यहाँ एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है. बर्गर तो इनकी मशीन ख़राब हो गई है. अगर हो जाए तो मेरा पूरा काम हो जाता. नहीं हो रहा. नहीं एक्चुअली मैं एक वीडियो बना रही हूँ, उसमें मुझे पूरे दिन में 100 रुपये का ही खाना खाना है. तो अभी मेरे पास सिर्फ 40 रुपये है. ये प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा ना? नहीं आएगा, उस पे चीज़ आएगा. अंदर कुछ भी नहीं होगा. और ये वेज चीज़ पिज़्ज़ा में होगा ना? वेजिटेबल तो कैप्सिकम और ओनियन आएगा. वो तो हो जाएगा या नहीं? हाँ, वो हो जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास 20 रुपये, सॉरी 40 रुपये, 40 पे आएगा ना? अच्छा ठीक है चलो. खाने का है? पास्ता खाना ही है. पिज़्ज़ा मैंने सिलेक्ट किया पर पिज़्ज़ा भी नहीं है. मे बी वो देख रहे हैं उनमें. उसमें कॉर्न भी नहीं डाल सकोगे? कॉर्न स्वीट कॉर्न भी नहीं हो पाएगा? पिज़्ज़ा में? हाँ प्लेन में. हाँ प्लेन में क्या डालना है? स्वीट कॉर्न. कॉर्न रेडी आता है पिज़्ज़ा का? आपका रेडी ही आता है ऐसा? कर देना. तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक प्लेन चीज पिज्जा मिला है. मेरे पास 2 रुपए डेजर्ट के लिए. पैक हो जाएगा कि उसके चार्ज लगेगा? नहीं हो जाएगा तो पैक कर देना. तो मैं इसको पैक करवा रही हूँ, फिर घर जाके खाऊंगी. घर जाके बात करती हूँ. चॉकलेट दे देना. कितनी आएगी ये वाली? 2. तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए थे तो मैंने ये 2 माउथ फ्रेशनर के जैसी कैंडीज लिए. पान वाली, पान पसंद. मैं घर पे आ गई हूँ और ये मेरा पिज्जा है जो चीज पिज्जा है. एक मैं खाऊंगी और मैं दिव्यांग को शेयर करूंगी. दिव्यांग बिकॉज मैं ऐसे बताना चाह रही थी कि आपको ऑलवेज शेयरिंग करनी चाहिए. मैंने उल्टा पिज्जा खोल लिया. चीज भी अच्छा है, पिज्जा मिल गया. और मैं केचप नहीं खाती हूँ बट मुझे इसके साथ खाना पड़ेगा थोड़ा टेस्ट के लिए. बच्चे हो ना तो बच्चों के लिए अच्छा है. तो मैं ये फिनिश कर लेती हूँ. मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो मैं खत्म करने के बाद आपसे बात करती हूँ. शुरुआत की थी मैंने मस्ती मस्ती में और देखने के लिए चैलेंज किया कि फाइन ये कैसा है, कैसा रहेगा, मजा आएगा मजा आएगा.
लेकिन मुझे लेफ्ट आफ्टर मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया ना, उसके बाद मुझे फील होता रहा कि शिट मेरे पास अब इतने ही पैसे, अब मुझे इतने ही पैसे में करना होगा, इतने ही पैसे में करना होगा। मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा थी, जो पूरी मेरी नहीं हुई है। तो ऐसे तो कितने सारे लोग हो गए हैं दुनिया में जिन लोगों को ऐसी सारी क्रेविंग होती होगी, बट जस्ट उनके पास पैसे नहीं है और वो ले नहीं पा रहे और उनको खुद की ख्वाहिशों को दबाते हैं। तो जस्ट मेरा इतना कहना है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ट्राई करो ऐसे लोगों को जो लोगों के बहुत ही कम पैसे हो, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हो और यट उनको क्रेविंग होती है। और कोई इंसान कभी कभी बोल देता है कि भैया मुझे वो आइसक्रीम खिला दो, या भैया मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, या भैया मुझे बर्गर खाना है, भैया मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो हम मजाक उड़ाते हैं काफ़ी, मैंने लोगों को देखा है मजाक उड़ाते हुए। तो यार वो भी इंसान है, उनको भी क्रेविंग होती होगी, तो उस वक्त उनका मजाक उड़ाने से बेटर है कि हम उनको ला करके कभी खिला दे, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, चैनल पे नया तो भूले बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ताकि आप हम एक दूसरे के साथ इजिली कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।